हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गगन, नाविक, IRNSS और GNSS के बारे में। काफ़ी बार आपने इसरो से रिलेटेड ये टर्म सुनी होगी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि इन सब का मतलब क्या है और इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। एज ऑलवेज लेट स्टार्ट। नाउ रिसेंटली आपने काफ़ी सुना होगा नाविक के बारे में। नाविक काफ़ी हद तक न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इसरो की जो कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, ये बहुत ही जल्दी नाविक का जो कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट कर देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपके पास एंड्रॉयड या जो भी होगा, उसमें आपने देखा होगा आपके पास गूगल मैप्स की ऑप्शन आती है। आप गूगल मैप्स खोल लीजिए और आप GPS के थ्रू आप नेविगेशन कर सकते हो। आपको अगर मान लो एक जगह से जाना है दूसरी जगह, तो आप जा सकते हैं। आपको पूरा रास्ता जो है वो GPS के थ्रू पता लगेगा। नाउ बहुत ही जल्द क्या होगा कि इंडिया में आपको ऐसे फ़ोन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जहां पर नाविक होगा, मतलब कि वो GPS की जगह वहां पे आपको नाविक का ऑप्शन मिलेगा। इसरो के नाविक से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इससे पहले आप GPS से यूज़ कर रहे थे। ये प्रोसेस मोस्ट प्रोबली 6 से लेकर 7 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नाविक के साथ आपने एक और बहुत ही फेमस एक्रोनिम के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, ये है IRNSS। नाउ IRNSS क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ये है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नाउ ये तो है IRNSS की फुल फॉर्म। इसके अलावा नाविक भी है। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसके अंडर ये जो दोनों चीज़ें सेम है, इसके अंडर इसरो ने टोटल 9 सैटेलाइट्स लॉन्च करी। इनमें से एक सैटेलाइट का लॉन्च फेल हो गया था, एक लॉन्च होने के बाद फेल हो गई थी। तो टोटल आज के टाइम में नाविक के अंडर जो एक्टिव ऑपरेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च हमने कर रखी हैं वो है 7। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि नाविक काम कैसे करता है। ये जो 7 सैटेलाइट्स है ये हमने अंतरिक्ष में लॉन्च कर दी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से सैटेलाइट्स काम कर रही हैं। इनका जो पूरा फोकस है वो इंडिया के आसपास के रीजन में है, मोर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं साउथ एशिया पे है। तो इंडिया और इंडिया के आसपास का जो रीजन है अराउंड 1500 किलोमीटर का, उनको ये सैटेलाइट्स मॉनिटर कर रही हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आपको GPS के थ्रू मिलती थी, नाउ GPS तो ग्लोबली है, GPS आप इस्तेमाल कर लो रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, कहीं भी। तो नाविक की ग्लोबल रीच तो नहीं है, मगर इस रीजन में साउथ एशिया में ये GPS जैसा ही काम करता है। आपको अगर नेविगेशन करनी है, आपको रास्ता पता करना है, आपको मैप्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको नाविक प्रोवाइड कर सकता है। और नाविक में जो 7 सैटेलाइट्स हैं, इनमें से 3 तो हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। इसका मतलब क्या होता है? पहले अगेन बेसिक्स, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं है। अगर मान लीजिए आप देखें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं बहुत सारी, ये हमने लॉन्च कर रखी है धरती के सरफेस से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो सैटेलाइट्स हैं नाविक वाली, ये धरती के सरफेस से करीब 36,500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब ये जो ऑर्बिट है करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर भी एक डिफरेंशिएशन आती है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में। फ़र्क क्या है? देखिए फ़र्क काफ़ी बेसिक जो ये है कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है आपका, उसमें क्या है कि धरती का जो इक्वेटर है, जो हमने मान रखा है इमेजिनरी इक्वेटर, उसके बिल्कुल हिसाब से सैटेलाइट ऑर्बिट करती है। और जियो सिंक्रोनस जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है? ये जो मेन डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। वाइल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लाइज ऑन द सेम प्लेन एज द इक्वेटर, द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैव सम इंक्लिनेशन। तो इतना तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बस ये याद रख लेना कि जो ये नाविक सैटेलाइट्स हैं इनमें से 3 जियो स्टेशनरी में हैं और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्या नाविक बेसिकली GPS जैसा ही है? नहीं। GPS पहली बात तो बिलोंग करता है USA को, और जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन नाविक और GPS वो ये है कि ये जो GPS है ग्लोनस रशिया का है, और उसके अलावा चाइना का बाइडू और यूरोप का गैलीलियो, ये सब GNSS हैं। GNSS मतलब के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि ये धरती के सिर्फ एक कोने को कवर नहीं करते, ये पूरी अर्थ को कवर करते हैं। आप ग्लोनस को यूज़ कर सकते हैं,
अर्जेंटीना से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पूरी अर्थ को ग्लोनस कवर करता है। सिमिलरली जीपीएस भी पूरी अर्थ को ही कवर करता है। नाविक आप अगर देखें तो ये आरएनएसएस है, मतलब कि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब हम नाविक की बात करते हैं तो इसे हम IRNSS भी कहते हैं, क्योंकि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तो है मगर किस रीजन का, इंडियन रीजन का, तो इसलिए हम RNSS में ऐड कर देते हैं आई, तो यहाँ पर ये बन गया इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब के नाविक। अब मैं मानता हूँ कि आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि नाविक क्या है और उसके अलावा IRNSS क्या है। नाउ अब यहाँ पे बात आती है गगन की। ये तो जो तीन टर्म्स है ये हमने समझ ली। गगन बेसिकली क्या है? गगन की फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। गगन का जो प्राइम रोल है, हालांकि इसका जो आप अगर देखें इसके जो काम है काफ़ी सारे हैं, ये नाविक को भी असिस्ट करेगा, मगर जो इसका प्राइम रोल है वो हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है, ये आपको याद रखना है। जो इंडिया में एयरप्लेन्स लैंड करते हैं, एयरप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, उनको भी इंडिया में आपको पता होगा नेविगेशन की आवश्यकता है, तो वो जो नीड है पूरी करता है गगन। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने कोलैबोरेट किया है और गगन को बनाया है। ये एक टाइप का रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, गगन की खुद की सैटेलाइट्स है, ये अपने आप में सिस्टम है, ये बेसिकली हेल्प करेगा नाविक जैसी सैटेलाइट्स की और भी वेरियस सैटेलाइट्स की, ताकि ये अर्थ में और ज़्यादा प्रिसिशन से नेविगेशन प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे, द गगन्स रोल इज़ टू प्रोवाइड ए नेविगेशन सिस्टम टू असिस्ट एयरक्राफ्ट इन एक्यूरेट लैंडिंग ओवर द इंडियन एयर स्पेस एंड द एडजॉइनिंग एरिया। नाउ यहाँ पे आप अगर सोचेंगे, अच्छा तो गगन को हमने इंडियन एयरप्लेन्स के लिए बनाया है, ये एक तरीके से हमारी जो ऑलरेडी यहाँ पर सैटेलाइट्स है फॉर नेविगेशन उनको हेल्प करेगा, साथ ही साथ अपनी तरफ से भी नेविगेशन में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा, प्राइमरली एविएशन सेक्टर के लिए, एयरप्लेन्स के लिए। मगर इंडिया से बाहर अगर ये एयरप्लेन्स जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इस टाइप का सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया यूएसए के पास जीपीएस है, रशिया के पास ग्लोनस है, तो उसी की तरह ये ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम भी इन्होंने बना रखा होगा फॉर एयरलाइंस। जी हाँ, बना रखा है। यूएसए के पास है वास, रशिया के पास है SDCM, इसकी फुल फॉर्म याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यूरोप के पास है एग्नोस, इसी तरीके से चाइना और जापान के भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया का यहाँ पे आप देखोगे है गगन। सो ये जो वेरियस सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम्स हैं, इनसे सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है एयरप्लेन्स को, वो आराम से लैंड कर पाते हैं। नाउ इन सब चीज़ों के अलावा गगन का एक और काम ये है, आयनोस्फेयर को स्टडी करना। आयनोस्फेयर आपको पता होगा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है ऑन अर्थ, जहाँ पे चार्ज्ड आयन्स हमेशा रेडी रहते हैं। तो जो गगन प्रोजेक्ट है उसके अंडर हम हमारा आयनोस्फेयर भी स्टडी करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आयनोस्फेयर सैटेलाइट और जो एंड यूज़र है धरती पर, फॉर एग्जांपल मैं स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे मान लीजिए आज से कुछ महीनों बाद मैं नाविक को यूज़ कर रहा हूँ, तो जो नाविक की सैटेलाइट्स हैं वो जो सिग्नल्स भेज रही हैं मुझे, उसमें जो आयनोस्फेयर है वो किस तरीके से इंटरफेरेंस करता है, किस तरीके से सिग्नल को कम ज़्यादा करता है, इसको भी गगन स्टडी करेगा। आयनोस्फेयर देखिए शुरू कहाँ से होता है, ये देखिए जो अर्थ का 60 किलोमीटर का जो पार्ट है, अर्थ का जो सरफेस है, इससे आप ऊपर जाओ 60 किलोमीटर तक आपने पार कर लिया, यहाँ से लेकर करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिलेगा आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर का क्या रोल है और ये एक्चुअली सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में ये क्या रुकावट डालता है स्पेशली ओवर इंडिया, इसको भी गगन स्टडी करेगा। तो अब आप जान चुके हैं कि नाविक क्या है, IRNSS क्या है, GNSS क्या है और गगन किस तरीके से ऑल टुगेदर नाविक से डिफरेंट है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।